तो यहाँ पर हमने जो है आधार और पैन कार्ड जो है हमने यहाँ पर जो है लिंक कर दिए हैं, तो यहाँ पर जो है आ चुका है। और यहाँ पर जो है अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैन नॉट लिंकड विद आधार, प्लीज़ चेक ऑन लिंक आधार। तो यहाँ पर जो है हम लिंक आधार पर जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको जो है एक पेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक आधार, अभी आपका जो आधार है वो लिंक नहीं हुआ है। जो अगर लिंक होगा तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इससे पहले आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 1 जुलाई 2022 तय की थी, अब आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको आधार और पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए अब आपको 1000 रुपये पे जरूर करने होंगे। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी आप जो है आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लीजिए, क्योंकि मार्च 31 या 30 मार्च के अंदर जो है ये जो रकम है 1000 रुपये की, वो शायद 10000 रुपये की भी होने वाली है। आपको 10000 रुपये देने होंगे या आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि आप जो है पेमेंट नहीं